Again, a very warm welcome to all the students, and today we are going to start the third part of the chapter in the Kingdom of Fools. जैसे कि सेकेंड पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि राजा मर्चेंट को फांसी पर लटकाने की आज्ञा देता है, लेकिन जो मर्चेंट होता है उसकी गर्दन फंदे में फिट हो नहीं पाती है, इसलिए राजा ये आज्ञा जारी करता है कि जिस बंदे की गर्दन इसमें फिट हो जाए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। अब राजा के मंत्री और राजा के सिपाही ऐसे आदमी की तलाश में जुट जाते हैं जिसकी गर्दन फंदे के लायक हो। आखिरकार उनको वो आदमी मिल ही जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस गुरु का चेला होता है जिसने कि अपने आप को महीनों से केलो राइस और घी खा करके मोटा किया था। अब वे उस बंदे को पकड़ करके वहाँ ले आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrap through love of food. अब क्या होता है कि जैसे वो उसको फांसी के फंदे के पास लाते हैं वो चिल्ला उठता है, अरे मैंने क्या किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। तो राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसको जवाब देते हैं कि हाँ तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, तुम सन्यासी हो सकते हो, लेकिन ये राज आज्ञा है कि किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ा जाए जो इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए, जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए। अब इस समय पर जो चेला होता है उसको अपने गुरु के उन शब्दों का स्मरण हो आता है जब उन्होंने उसको सिटी छोड़ने के लिए कहा था कि ये मूर्खों की नगरी है और तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, या अगला जो इनका स्टेप होगा वो क्या हो सकता है, किस पर क्या विपत्ति आ सकती है। अब वो मन ही मन अपने गुरु को याद करने लगता है। जहाँ कहीं भी वो थे वो उनको अपनी हेल्प के लिए एकदम वहाँ बुला लेना चाहता था। अब उसके गुरु के पास मैजिकल पावर्स थी और वो उन मैजिकल पावर्स से भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ देख सकते थे। अब उनके पास अपने चेले की फरियाद पहुँच गई और वो तुरंत अपने चेले को उस मुसीबत से दूर करने के लिए, उस मुसीबत से निकालने के लिए एट द स्पॉट वहां पहुंच गए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" अब जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने चेले को थोड़ा धमकाया और धमकाने के बाद उसके कान में कुछ खुसर पुसर की। उसके बाद वो राजा के पास गए और राजा से कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सभी राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, बताइए मुझे कि ग्रेट कौन है, सबसे महान कौन है, गुरु या फिर डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, गुरु महान है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाइए और उसके बाद मेरे चेले को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब जैसे ही डिसाइपल ने ये चीज सुनी तो उसने वो समझ गया और उसने शोर करना शुरू कर दिया। Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. पहले मैं, तुम पहले मुझे यहाँ लेकर गए इसलिए पहले मुझे मृत्युदंड दो, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। गुरु और जो चेले थे दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले फांसी कौन चढ़ेगा। उन दोनों का ये व्यवहार देखकर जो राजा था कन्फ्यूज हो गया। उसने पूछा, तुम्हें एक बात बताओ कि तुम फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? इसको तो हम इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि हमें एक फैट मैन की ज़रूरत थी ताकि वो
फांसी के फंदे में फिट हो सके। तुम अपनी बताओ, तुम्हें क्या जल्दी है मरने की। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, मुझे आप पहले मृत्युदंड दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों? देर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों, इसमें कुछ रहस्य है? क्योंकि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, तो तुम्हें मुझे इस चीज को समझाना चाहिए। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आज द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। इट इज न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. अब क्या होता है, जो गुरु है वो राजा से कहता है कि आप मुझसे वादा करिए, जो भी इस बात का रहस्य है वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरी बात सुनने के बाद, वो रहस्य जानने के बाद, आप सबसे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। राजा ने उसको अपने वचन दिया और उसके बाद चेला उसको नौकरों से दूर ले गया, कहीं उनके कानों में बात ना पड़ जाए। तब गुरु ने राजा से कहा कि महाराज, बात ऐसी है कि हम दुनिया भर में घूमे हुए हैं, लेकिन ना तो हमने ऐसा राजा और ना हमने ऐसी सिटी कभी देखी है, और ये जो फांसी का फंदा है ये भगवान का न्याय है, क्योंकि इस पर ये नया है और इस पर अब तक किसी क्रिमिनल को चढ़ाया भी नहीं गया है। तो जो भी इस फांसी के फंदे पर पहले चढ़ जाएगा, मरने के बाद वो उसका दोबारा जन्म होगा और वो इस देश का राजा बनेगा, और जो उसके बाद आएगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो हम अपनी जो सांसारिक ज़िंदगी है, एसेटिक लाइफ है, यानी कि सन्यासी जो जीवन है, उससे हम परेशान हो चुके हैं। अब हम कुछ पल के लिए राजा और मंत्री की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों आपस में होड़ मचाए हुए हैं कि पहले कौन मरेगा। अब महाराज, मैंने आपको ये सब बता दिया है और आपने मुझे वचन दिया है कि इस चीज़ को सुनने के बाद आप मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let us go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. अब ये बात सुनकर के राजा बड़े अचरज में पड़ गया, उसने फांसी को रुकवा दिया, उसने उसको पोस्टपोन कर दिया और कहा कि फैसला अगले दिन किया जाएगा। तब उसने अपने मिनिस्टर के साथ गुपचुप तरीके से बात की, उसने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि हम अपना राज्य किसी अनजान व्यक्ति के लिए छोड़ दें नेक्स्ट लाइफ में, तो ये ज़रूरी है कि ये किंगडम हमारे पास ही रह जाए, तो चलो हम दोनों चलते हैं और दोनों फांसी पर लटक जाते हैं, ताकि हम दोनों किंग और मिनिस्टर के रूप में दोबारा पुनर्जन्म ले सकें। क्योंकि जो ये साधु संन्यासी लोग जो होते हैं, होली मैन जो होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। और मंत्री राजा की बात से सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Do not make any mistake. अब उन्होंने जल्लाद को ये आज्ञा दे दी, हम रात को क्रिमिनल्स को भेज देंगे, जो पहले आएगा उसको पहले लटका देना और जो उसके बाद आएगा उसको उसके बाद लटका देना, जैसा मैंने कहा है वैसा करना, कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब उसी रात क्या हुआ, राजा ने
अपने मंत्री के साथ चुपके से वो कारागार में गया, गुरु चेले को छोड़ दिया, अपने आप को गुरु चेले की तरह ड्रेस किया और जो उसके लॉयल सर्वेंट्स थे उनकी मदद से सारा इंतज़ाम उसने पहले से किया हुआ था, उनको फांसी के फंदे तक लाया गया और प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत उनको फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जैसे ही बॉडी थी उसको लाया गया तो क्रोज और वल्चर्स के सामने फेंकने के लिए, तो जो लोग थे वो घबरा गए। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। अब उन्होंने देखा कि यार ये तो मिनिस्टर और राजा की बॉडी है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। जो पूरा शहर था वो अचरज में पड़ गया। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात उन्होंने जो किंगडम था उसके फ्यूचर को लेकर के लिए डिस्कशन किया और मॉर्निंग की यानी कि विलाप किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब किसी को ख्याल आया कि जो गुरु और जो चेले हैं उनको ही उनके पास ही चला जाए और वे उस समय नगर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे बिना किसी की नज़रों में आए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। अदर्स अग्रीड। दे बैक द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उन दोनों से फरियाद की, उन दोनों से रिक्वेस्ट की कि आप दोनों ही हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। चेला तो एकदम तैयार हो गया लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिर में गुरु भी मान गया इस शर्त पर कि उनको पुराने जो कायदे कानून हैं उनको बदलने की जो पावर है वो दी जाए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और उस दिन से वापस सब कुछ ठीक हो गया, रात रात हो गई, दिन दिन हो गया और केवल एक डूडो में अब आपको सब कुछ नहीं मिल सकता था। अब जैसे दूसरी जगह पर चलता था वैसे ही वहाँ पर भी हो गया। सो दिस वॉज द स्टोरी द इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और इसको जो कन्नड़ फोक टेल है वहाँ से इसको लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो थे A.K. रामानुजम, जिन्होंने कन्नड़ जो फोक टेल का कलेक्शन था उनमें इसको इंक्लूड किया था, तो वहाँ से इसको लिया गया है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई विल बी मीटिंग विद यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।